सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंचाक्षर मंत्र जपते समय तो ओम का उपयोग कर सकते हैं, कीर्तन करने में ओम नहीं लगाना है, क्योंकि मंत्रों का कीर्तन नहीं होता, मंत्रों का जप होता है। आजकल परंपरा चल पड़ी कि गायत्री मंत्र का भी लोग कीर्तन करते हैं, पर मंत्र कीर्तन करने के लिए नहीं होता, मंत्र जप करने के लिए होता है और नाम संकीर्तन करने के लिए होता है। तो हम ओम लगा करके जप करें, ओम लगा कर तो जप करें, उसमें भी महिलाओं को ओम लगा करके पंचाक्षर मंत्र अथवा कोई भी मंत्र ओम का उच्चारण के साथ नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि यह वेद का प्राण है, वेद जो है वो ओम से प्रकट हुए हैं, गायत्री ओम से प्रकट हुई है, तो माताओं में कभी शुद्धि नहीं रह पाती है, यज्ञोपवीत माताओं का नहीं होता है, वेद पाठ का अधिकार माताओं को नहीं दिया। इस पर कई लोग बड़ी आजकल आपत्ति करते हैं, अब ज्यादा हम कुछ कहेंगे तो महिला आयोग वाले आ जाएंगे, हैं महाराज जी ऐसा कह रहे हो? अरे भैया, हम थोड़ा ही कह रहे, वेद में लिखा है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ उसको वेद पाठ का अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए। कारण यह है, यज्ञोपवीत होगा तो गुरु परंपरा होगी, गुरु परंपरा होगी तो गुरु जी उसका सही सही अर्थ बतलाएंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। उन्हें पता चलेगा कि लिखा कुछ है और समझ कुछ लें तो उल्टा अनर्थ हो जाएगा है? तो विधि पूर्वक शास्त्र विधि से जिसका यज्ञोपवीत हुआ है उसी को गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो हम लोग पंचाक्षरी मंत्र का कीर्तन करेंगे लेकिन ओम नहीं लगाएंगे।